जराली सुविधा ना कत काट हो गला बड़ी गुट हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। आज की ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जंगल में हमने एक घर बनाए थे हाथी और सुअर से हमारी धान की फसल को बचाने के लिए घर बनाए थे। तो फ्रेंड्स, वो जो घर है ये वो घर है और वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस ब्लॉग को और इस घर को कम्प्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल सुबह सुबह हम आ चुके हैं हमारे खेत में और फ्रेंड्स यहाँ एक छोटी सी तालाब भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा हमारा घर, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, एक नज़र पकाइए और ये है हमारा सब जमीन जिसमें धान का फसल हुआ है और आगे भी बहुत सारे मोचे मरे हुए हैं, मतलब जंगल में घर बनाए हुए हैं आगे। और ये इस तरफ से फ्रेंड्स हाथी आते हैं और एक इस तरफ से भी हाथी आते हैं, तो इसलिए हम बीचों बीच बनाए हैं मोचा। और वो लास्ट में देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, उस तरफ भी हाथियाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम दरी फरी सब लेके आए हैं और आज घर को कंप्लीट करेंगे और जाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे चाचा जो हैं वो उस तरफ से कुछ लकड़ियाँ लाए हैं, हम लाए थे पर मतलब खेत के अंदर वो था, तो अभी ऊपर बनाने में, घर बनाने में हमें मदद करेगी बहुत।
तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी घर आधा अधूरा हो गया है कंप्लीट और आधा है बाकी। और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमने एक घर बना दिए हैं और थोड़ी बहुत है ऊपर, फिर और ज़्यादा लकड़ी देना पड़ेगा, उसके बाद वो दरी फरी देंगे। और ये भी मैंने भीड़ दिया है नीचे एक रस्सी, क्योंकि रात में जब हम यहाँ आके रेस्ट ले तो हिले ना घर। और जैसे कि आप देखिए और एंजॉय कीजिए लास्ट तक, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल घर का ऊपर वाला काम हो गया है कंप्लीट, और फ्रेंड्स अभी अभी छत करना बाकी है, अभी छत पकाएंगे हम। और फ्रेंड्स ये दरी दे के घर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल हमारा घर का काम हो गया है कंप्लीट, और फ्रेंड्स मोटा मोटा आधा अधूरा काम हो गया है कंप्लीट और आधा है बाकी। और फ्रेंड्स इसके ऊपर लगेगा नया एक दरी लगेगा, उसके ऊपर फिर हम देंगे फिर एक दरी देंगे और नीचे देंगे कुछ कार्टून देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ हम नहीं और भी बहुत सारे लोग घर बनाए हुए हैं जंगल में, आप वो देखा है। और एक देखिए इस तरह मैं दिखाता हूँ बहुत जूम करके, ये फ्रेंड्स देखिए एक घर है। और फ्रेंड्स चारों तरफ घर ही घर हैं, मतलब डरने की कोई बात नहीं, चारों तरफ लोग रहते हैं। हमारे यहाँ 10-15 एकड़ के अंदर 3-4 ऐसे घर बनाए हैं। ये देखिए ये हमारा है और ये ट्रेल लाइन है। तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग का करता है यहीं पर दो एंड, फिर मुलाकात होगी आपके साथ और एक न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी आपके साथ और एक न्यू ब्लॉग में।